मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस त्योहार की झलक बैतूल में कुछ हटकर नजर आई। दरअसल बैतूल के पुलिस ग्राउंड में जब लोग पतंग उड़ाने में मशगूल थे, ठीक उसी समय जिले के कलेक्टर राकेश सिंह और एसपी सिमाला प्रसाद भी वहां पहुंच गईं। लोगों के उत्साह को देखते हुए अधिकारी अपने आप को रोक न पाए और पतंग की डोर अपने हाथों में थाम ली। काफी देर तक दोनों ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। ये हमारे बच्चे अधिकारी और पुलिस के हमारे सभी साथियों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया जो समर्पित है गुड्डी के लिए। गुड्डी माने वो महिला शक्ति, वो बच्ची जो सशक्त रहेगी, अपनी प्रतिभा का पतंग की भांति प्रदर्शन कर सकेगी, वो आगे बढ़ेगी, ऊंचाइयों पर जाएगी और अपनी सुरक्षा रखेगी। महिलाओं के प्रति जो सामाजिक अपराध हैं उनके जागरूकता का अभियान है, बिटिया की उन्नति का अभियान है, उसी के सैंबल के रूप में आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मकर संक्रांति जैसा आप जानते हैं कि अन्य परंपराओं के साथ पतंग के लिए भी फेमस है, उस अवसर पर समाज में संदेश देने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया। हमारे पुलिस के साथियों को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आशा है इसका प्रचार प्रसार पूरे ज़िले में होगा और सब जगह होगा और धीरे धीरे अन्य माध्यमों से भी, अन्य सैंबल्स के माध्यम से भी ये संदेश जाएगा। जाहिर है कि मकर संक्रांति पर्व के उत्साह के बीच जिले के मुखिया और पुलिस कप्तान को अपने बीच पाकर आम नागरिकों की खुशी भी दुगनी हो गई। एसपी ने बताया कि गुड्डी अभियान के तहत बच्चों को जागरूक करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक दिन प्रयास ये कर रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए कि किस प्रकार से महिलाओं का आदर सम्मान कितना आवश्यक है और किस तरह जो महिला अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम करने में किस तरह आप लोग सहयोगी, एक आम आदमी भी सहयोगी बन सकता है, जो एक असली हीरो कैंपेन भी चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत। और जो भी अवसर आ रहे हैं इस बीच, जो भी त्यौहार पड़ रहे हैं उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने लोहड़ी के माध्यम से पंजाबी जो समुदाय है उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और उनके द्वारा भी मैसेज दिया गया। और आज चूँकि मकर संक्रांति का अवसर है तो इसमें भी पतंग उड़ाकर जो है बच्चियां संदेश पहुंचा रही हैं कि हमें गुड्डी को किस तरह से सुरक्षित रखना है और जितनी भी गुड्डियां हैं, जो मिसिंग गुड्डियां हैं उनका भी हमें पता लगाना है और जो बाकी गुड्डी हैं उनको भी किस प्रकार से हमें सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। गुड्डी एक ऐसी आम लड़की का प्रतीक है जो किसी गांव से भी रिलेट कर सकते हैं और किसी शहर की भी बच्ची है वो भी अपने आप को उस आइकॉन से रिलेट कर सकती है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।